समय आ रही है दूसरे चरण के मतदान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम को लेकर बड़ा निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बैलेट पेपर से वोटिंग अब नहीं होगी, ईवीएम से ही वोटिंग जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 100% वीवीपैट से पर्ची मिलाने की याचिका को भी रद्द कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को 45 दिनों तक सुरक्षित रखने, 7 दिनों के भीतर शिकायत पर ईवीएम की तकनीकी जांच कराने का प्रावधान कर दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पीएम मोदी ने यह कहते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला किया कि अपने स्वार्थ के लिए ईवीएम को पूरी दुनिया में बदनाम किया है विपक्ष ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को जड़ा है तमाचा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है जितनी भी पिटिशंस थी, 100% वेरिफिकेशन जो ईवीएम मशीन की वीवीपैट के थ्रू थी उसको रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। धन्यवाद। कांग्रेस हमेशा चुनाव हार के जब नजदीक पहुँचती है तो ये हमेशा इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं, और आज मैं कहता हूं कि यदि दिल्ली का चुनाव होता है, आप पार्टी वहां से जीत के आती है, पंजाब का चुनाव होता है, वहां से आप पार्टी जीत के आती है, उसका प्रश्न का जवाब ये नहीं दे पाते कि जहां ये जीतते हैं वहां पे उनको कोई शंका नहीं होता, और जब चुनाव के पराजय का डर दिखता है तो ये इस प्रकार की बहानेबाजी ढूंढते हैं। वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए, और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं इसको एग्जाम।